दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल VPN गार्डनिंग एंड टूरिज्म। दोस्तों गोगा मेडी का दृश्य आप देख रहे हो और मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। कोविड के नियम क्या है जिनको फॉलो करते हुए हम गोगा मेडी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, परसों मैंने अपलोड कर दिया। उसमें जो दिशा निर्देश राज्य सरकार ने प्रशासन ने जारी किए उनके बारे में पूरी जानकारी मैंने दे दी है कि कौन कौन से नियम हैं और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है दर्शन करने के लिए अगर हम आना चाहते हैं। तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे देता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक भक्त है, उनका एक कमेंट है, उसका रिप्लाई करने वाला हूं। चलिए वो कौन सा कमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये हमारे दर्शक है राजन कुमार, ऑनलाइन दर्शन कैसे होते हैं ये इनका क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि गोगा मेडी के दर्शन आप घर बैठे कैसे कर सकते हो। सुबह शाम की जो आरती होती है मंदिर में वो आरती आप लाइव कैसे देख सकते हो, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ घर बैठे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और कौन सा वो तरीका है, कौन सी वेबसाइट है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आज आपको दे देता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमें मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोलना है और इसके अंदर हमें इंटर करना है दोस्तों गोगा मेडी। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, हमें गोगा मेडी लिखना है दोस्तों, यहां GOGAMEDI गोगा मेडी। दोस्तों आप गोगा मेडी मंदिर लिख सकते हो, गोगा मेडी .org जो साइट है वो लगा सकते हो, गोगा मेडी .org लाइव लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ गोगा मेडी .org लाइव लिख रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, और हमें इंटर कर देना है। जैसे ही हम इंटर करेंगे दोस्तों गोगा मेडी की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये आप पहले नंबर पे देख सकते हो, गोगा मेडी टेम्पल इन राजस्थान www.gogamedi.org, इसे हमें ओपन करना है। ओपन करते ही दोस्तों हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है और आप सामने देख सकते हो सूचना, स्वागत है राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर गोगा जी गोगा मेडी देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार। तो दोस्तों यहाँ जो मेला नहीं लगा उसकी जानकारी दी हुई है सबसे ऊपर, आप देख सकते हो। दोस्तों इस साइट की जो मेन्यू है अगर हम उसमें जाएं तो दोस्तों यहाँ हमें फोटो गैलरी, दान करने के लिए और संपर्क करने के लिए यहाँ पूरी जानकारी मिलती है। चलिए मैं बाहर आ जाता हूँ और दोस्तों हम इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में इस साइट का उपयोग कर सकते हैं। अभी मैंने इंग्लिश की हुई है और नीचे बाबा की आप तस्वीर देख सकते हो। दोस्तों यहाँ लाइव दर्शन है उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, पहले यहाँ की पूरी जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों जो यहाँ मंदिर परिसर के बाजू में जो पार्क बना हुआ उसमें जो स्टेचू है उसकी पूरी यहाँ फोटो दी गई है। दोस्तों आगे इंग्लिश है, मैं इसको हिंदी कर देता हूँ और हिंदी में पूरी जानकारी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये दोस्तों स्टेचू देख रहे हो और दोस्तों मंदिर का परिचय यहाँ दिया गया है, मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और जो मेला लगता है उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि कितने भक्त यहाँ आते हैं। और उसके अलावा इसकी दूरी हनुमानगढ़ से, जयपुर से, नोहर से टोटल दी गई है और यहाँ तक की जो रेलवे स्टेशन है दूरी वहाँ का भी पूरा का पूरा विवरण दिया गया है दोस्तों। और उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो दोस्तों मेले के दृश्य दिए गए हैं और गोगा मेडी का इतिहास, दोस्तों यहाँ गोगा मेडी का इतिहास दिया गया है, गोगा जी के बारे में पूरी जीवनी बताई गई है, उनके माता पिता का नाम और जो उनका जन्म है उसके पूरे की पूरी डिटेल यहाँ दी गई है।
और दोस्तों उसके थोड़ा नीचे और चलेंगे तो हमें मेले के कुछ दृश्य और देखने को मिलते हैं। दोस्तों जो फोटो गैलरी इसमें डाली हुई है उसका दृश्य हमें नीचे और देखने को मिलता है। दोस्तों उसके नीचे विकास मतलब जो राजस्थान सरकार ने इसका निर्माण करवाया कितना खर्चा हुआ उसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है और मंदिर का पूरा एड्रेस बताया गया है, मंदिर खुलने और बंद होने का समय दिखाया गया है। इसके अलावा निकटतम हवाई अड्डा जयपुर उसकी दूरी बताई गई है और दोस्तों मंदिर जो पुराना है प्राचीन है 950 वर्ष उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और उसके थोड़ा सा नीचे दोस्तों हम चलेंगे तो यहाँ जो फोटो गैलरी है उसका दृश्य हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर दोस्तों मेले के दिन और रात के दोनों दृश्य दिखाए गए हैं। जो बाबा के मंदिर के अंदर का परिसर है उसकी भी काफ़ी फोटोएं हमें देखने को इस गैलरी में मिलती है और काफ़ी दृश्य दोस्तों जो ड्रोन से दिखाए गए हैं उनका भी पूरा का पूरा इसमें एल्बम हमें देखने को मिलता है। ये आप सामने देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों नीचे पूरा आपका पूरा पता दिया गया है मंदिर का, मंदिर खुलने का समय बंद होने का समय और जो तीन आरती होती है दोस्तों, पहली आरती मंगला 5:15 सुबह होती है, सायंकाल की दोस्तों 7:15 और रात्रि मंगल आरती जो 9 होती है, तीनों का तीनों विवरण दिया गया है। और मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ दोस्तों, एक फ़ोटो की गैलरी मैं ओपन करके आपका दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप इस फोटो पे टच करते हैं तो दोस्तों आपको HD फ़ोटो देखने को मिलती है। और दोस्तों चलिए मैं आपको दर्शन का तरीका बता देता हूँ। जैसे ही हम ऊपर आएंगे दोस्तों यहाँ लाइव दर्शन का ऑप्शन है, उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मंदिर परिसर के अंदर जो बाबा की समाधि के सामने कैमरा लगा हुआ है वो चालू आपकी स्क्रीन पर हो जाता है साउंड के साथ। ये देखिए दोस्तों आज पहला दिन है मंदिर ओपन होने का, तो बाबा की जो समाधि स्थल है वो फूलों से सजाई हुई आप देख सकते हो। तो दोस्तों जब शाम को यहाँ आरती होती है तो आरती के आवाज़ के साथ साउंड के साथ आप पूरा का पूरा दृश्य घर बैठे अपने परिवार के साथ देख सकते हो। तो दोस्तों ये था तरीका गोगामेड़ी मंदिर की लाइव आरती देखने का। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों एक वीडियो गोरखटीला मंदिर की जो आरती होती है उसकी जो वेबसाइट है वो कैसे कार्य करेगी, वहां हम कैसे दर्शन कर सकते हैं, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों जिन भक्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने का बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली गोगामेड़ी की लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट जानकारी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।